झालं गाडी गरम होती तुमची पण खूपच चांगलं रस्ता आहे रस्ता चांगला आहे पण गाड्यांचा काय अरे नाही तेच म्हणतोय मी खूपच चांगला रस्ता आहे सो गुड मॉर्निंग अँड व्हॉट्स अप वेलकम बॅक टू आवर चॅनल गाईज तो आखिर वो दिन आ ही गया जहाँ पे उज्जैन का राइड चालू हो रहा है तो इतने दिनों से प्लानिंग करके अभी मैं बस निकल पड़ा हूँ हमारे मीटिंग पॉइंट के और बीच में मुझे रास्ते में सिद्धू निहार शील मिलेंगे देखते भाई आगे रुक है एक्चुअली मैं ही थोड़ा लेट चल रहा हूँ 5 मिनट पीछे तो नाउ लेट्स सी आगे मिलते हैं सबसे लास्ट राइड में राहुल साउथ स्प्रिंग में था दिस टाइम वो हमें फ्लैग ऑफ करने आया अभी मजा आएगा ना भिड़ो सो थैंक यू राहुल वेरी साहिल इवन श्रेयस आया हमें फ्लैग ऑफ करने सो अनफॉर्चुनेटली ये लोग मिस आउट कर रही है राइड बट ठीक है कोई अगला राइड फ्लैग ऑफ करने के लिए एंड अभी हम लोग है भोसरी में जो कि मेन चौक के नीचे ही है भोसरी चौक करके वहाँ से राइड चालू हो रहा है टूवर्ड्स इंदौर तो बॉयज आर ऑल पम्प्ड अप आगे 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 दिखेगा अभी तो ज़्यादा कुछ ये है नहीं अंधेरा है तो कुछ दिखाया नहीं सकता नाउ लेट्स सी सो वन मोर कंटेंट शील इज शूटिंग नया एंगल सो ये चला अपना लाइनअप हियर वी गो बॉयज आगे है और बहुत लोग पीछे तो हम लोग जो रूट ले रहे थे जो कि है संगम नहर वहां से सीधा सीधा सो टुवर्ड्स नासिक जा रहे हैं अभी तो फिलहाल के लिए तो अच्छा खासा बड़ा लाइनअप है और अभी थोड़ा ट्रैफिक में ही वाला है बिकॉज थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रैफिक रहता ही है तो ये थोड़ी देर रहेगा टिल राजगुरु नगर वगैरह एंड उसके बाद तो एकदम मक्खन रोड आएगी 4 लेन तो ऐसे ही बने रहना हम लोग आगे बहुत सारा ये करने वाले हैं एंड दिस जर्नी इज गोइंग टू बी एपिक वन बिकॉज ये एक और इंटरस्टेट राइड है एंड दिस टाइम उज्जैन तो बहुत कुछ है वी आर गोइंग टू द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया सो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे नाउ लेट्स सी लेट्स गो आज की राइड का फ्लाइंग पायलट निहार और फिर टेल पे नीलेश है आगे शुभम लीड कर रहा है तो आप देख सकते हो आगे लाइनअप बहुत प्यारा चल रहा है एंड वेरी प्लेजेंट क्लाइमेट टू राइड सन इज जस्ट आउट अभी ऑफिशियली फर्स्ट टोल ऑफ द डे ऑफ दिस राइड बेसिकली तो अभी हम लोग थोड़ा और आगे आगे मोशी के आसपास तो यहाँ से स्टेट स्टेट जाएंगे टूवर्ड्स राजगुरु नगर देन फॉलोड बाय देन संगम नेर वाला रास्ता सो बाय सो वंस अगेन व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज क्या प्यारा दिख रहा है यार आज के शील सब लाइन अप चल रहा है नाउ आगे से कॉल आया है कि थोड़ा सा स्पीड अप ओह बॉय वी आर मिसिंग दिस हाईवे सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ वी आर गेटिंग कनेक्टेड ऑन दिस लेट्स गो बॉयज लेट्स एंजॉय फ्रीडम तो खड्डा आ गया था नाउ दिस हाईवे लुक एट दिस यो गो तो ये सन देखकर बहुत ऐसी ऊर्जा आ जाती है ठीक है बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है लाइफ में कुछ करने का तो अभी मिल जाए सीधे हाईवे अभी हाईवे लगा है बॉयज अभी तो मजा आएगा सेकेंड टोल ऑफ द डे और हम लोग अभी आ गए 70-80 किलोमीटर आगे अपने भोसरी गांव से अरे भैया क्या कर रहे हो फोन पे बाद में बात करो तो अभी और 101 किलोमीटर चलने के बाद विल बी हैविंग आवर ब्रेकफास्ट तो तभी ब्रेकफास्ट कर ले
सो एक छोटा सा यहाँ पर रीग्रुपिंग कर लिया है बिकॉज पीछे एक बहुत ट्रैफिक था चौक में, तो दिस इज द ओनली रीजन हम लोगों ने एक छोटा सा ये कर लिया है रीग्रुपिंग। अभी फिर से लाइन अप करेंगे एंड चलेंगे भाई स्वप्निल नए जूते बीते यू। थर्ड टोल नाका ऑफ दिस राइड और आज का तीसरा टोल नाका बेसिकली। अभी संगम नहर से थोड़ा पहले हम लोग ऑलमोस्ट संगम नहर लग ही गया बिकॉज पीछे बोर्ड था कि 23 किलोमीटर बहुत पहले कि संगम नहर 23 किलोमीटर। तो आफ्टर संगम नहर जैसे मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट के लिए रुकने वाले हैं हम लोग, तो फिलहाल के लिए तो मतलब जितने भी पॉइंट दिखे संगम नहर पे से पहले जो भी थे हाँ लग गया है ये संगम एक्सप्रेस लग गया खेड़ संगम नहर एक्सप्रेस ऐसा कुछ सभी लिखा था वहाँ पे। बट फिलहाल के लिए जितने भी ये लगे होटल वगैरह तो बंद ही थे आधे से ज्यादा सुबह, तो ना लगती आगे। ये हमारा रीति रिवाज है जो कि हमने हम्पी से चालू किया था, तो शील आर यू रेडी फॉर दिस? वी आर लिविंग लाइफ। हम लोग ने नासिक के जस्ट 26 किलोमीटर पहले ब्रेक लिया है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे, नहीं तो आज पूरा पुणे टू नासिक नॉन स्टॉप लग जाता। बट ये लोकेशन अच्छा लगा सो वी थॉट ऑफ स्टॉपिंग हियर एंड व्हाट अ राइड अप देम। ऑलमोस्ट 150-170 किलोमीटर नॉन स्टॉप मारा है हम लोग ने। तो गाइस हम लोग अभी सिन्नर से थोड़ा आगे आ गए, सो हम लोग ने पुणे टू सिन्नर जो भी है इट इज अराउंड 180 किलोमीटर नॉन स्टॉप किया है, तो ये हमारे लिए एक नया रिकॉर्ड। बट ये किसी खास रिकॉर्ड के लिए नहीं है, बट रोड्स ही इतने अच्छे थे कि बस द प्लान वॉज टू स्टॉप एट नासिक डायरेक्टली, बट थोड़ा सा फ्यूल वगैरह एंड बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसा लग रहा था कि रुक जाए, तो इसलिए रुक गए, नहीं तो हम लोग सीधा नासिक में ही रुकने वाले थे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर एक इंडियन ऑयल का फ्यूल पंप है वहाँ पे रुके हैं। तो मैं आपको सारे राइडर से परिचय करवा देता हूँ कि आज लाइन कौन कौन आया है। तो आज के राइड में हमारे टेल राइडर नीलेश, वी हैव निखिल, देन हमारे लीड राइडर है शुभम, वी हैव मुकुंद, वरद, मयूर, आथर्व, प्रफुल, भूवी तमिला भूवी, देन ये हमारे कुछ
flying pilot here, Siddharth. Then Nihar, another flying pilot, Swapnil, and then Hapla Shil, flying pilot. So अभी हम लोग रुके और एक दो लोग हैं, मैं इनको श्रेयस है एंड वैभव अंदर है तो मैं परिचय करवा दूंगा। तो इतने सारे राइडर्स हैं आज के लाइनअप में और आगे आने वाले चार दिनों में आपको ये सब लोग दिखते ही रहेंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग इंदौर किस लिए जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में वही अपना इडली वड़ा, मेंदू वड़ा, ये सब कुछ। मैंने भी मेंदू वड़ा मंगाया। ये है वो वैभव जो कि बाहर उसका परिचय रहा है लोगों से उसके लिए। अरे वो कैसा ना, मैं चेक करके देता सी। हाँ पहले क्वालिटी टेस्ट कर देगा साउथ स्प्रिंट का। इसके लिए मेदू वड़ा कमी नहीं डाला या ये बराबर हर एक चीज का। सो जस्ट डन विथ आर ब्रेकफास्ट, अभी निकलने की तैयारी हो रही है। तो अभी हम लोग आगे किधर तो फ्यूल अप करेंगे, देन आगे से हमें एक और राइडर ज्वाइन करने वाला है लगभग धुड़े के पास से, तो फिर उसको भी कनेक्ट करेंगे एंड देन फिर मध्य प्रदेश में एंटर हो जाएगा। सी यू ऑन रोड्स। हम लोग ने अभी एक फ्यूल ब्रेक ले लिया है सो दैट आगे फिर से रुकने की ज़रूरत ना लगे। तो दिस इज ओनली रीज़न हम लोग यहाँ पर फ्यूल अप कर रहे हैं। तो हम पर एक्चुअली कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि आगे बढ़ते ना विल सी क्या आगे। वैसे मिल ही जाएगा पेट्रोल पंप, इतना कुछ है नहीं। जिस पेट्रोल पंप पे हम वहाँ रुके थे मतलब जिस स्टॉप, वहाँ का फ्यूल डेंसिटी इतना खास नहीं था। तो एंड वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क एंड एट द सेम टाइम गाइस दिस इज अ टिप टू ऑल द राइडर्स डू टूरिंग। तो कभी भी आप फ्यूल का डेंसिटी देख कर फ्यूल डालना, बिकॉज बहुत लो डेंसिटी का फ्यूल रहेगा तो आपके बाइक में दिक्कत आ सकती है, द एंटायर राइड कैन गेट मेस्ड अप। सो इसलिए हम लोग ने नहीं डाला, अभी आगे जाने का सोच रहे, आगे मिलेगा देखते। सो द फोर्थ टोल ऑफ द डे यहाँ पर। तो अभी हम लोग नासिक बाईपास, नासिक से होकर राइट लेके बाईपास से टूवर्ड्स 40 गांव वाला रोड, जहाँ से फिर वो लेकर जाएगा हमें सीधा धुड़े धुड़े से देन मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगेगा। तो अभी फिलहाल के लिए अच्छा पेस बनाया रखा हम लोग ने राइड में, और ज्यादा हम लोग कैसा है कि राइड पे हैवी खाना नहीं खाते सो दैट नींद आएगा। हम लोग ने जस्ट हल्का फुल्का कुछ तो भी खाया है लाइक इडली डोसा टाइप, जिसके कारण नींद आया एंड दैट वो एक फ्रेशनेस बना रहता है बॉडी में। एंड एट द सेम टाइम सब लोग अपने अपने लेवल पे ध्यान दे रहे कि दैट कि सब लोग अपने अपने हाइड्रेटेड रहे, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है अभी और मध्य प्रदेश में तो इससे ज्यादा होने वाले। सो हम लोग अभी से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो गांव का जो यहाँ पे हाईवे बना है, ये जहाँ पे भी क्रॉसिंग है उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स लिए छोटे छोटे, एक्चुअली एक्सीडेंट प्रोन ये हो जाता है ऐसा टाइप का रोड जहाँ पे नेशनल हाईवे पे रोड कनेक्ट हो रहा है गांव का। तो बट अच्छा है कि मतलब सेफ्टी वाइज कि ठीक है बाइक बहुत स्लो डाउन वगैरह करनी पड़ती है, बट विच इज अ गुड थिंग। जय हनुमान जी की। तो बाय द वे आज हनुमान जयंती है तो इस शुभ मुहूर्त पे हमारी राइड भी चल रही है। बस हनुमान जी करे कि हम सब लोग अच्छे से जाए अच्छे से और मतलब सब लोग सेफली घर आए। हो पण लाइक गूगल वर मी इकडे दाखवते म्हणून मग आम्ही इथनच घेणार। हो रस्ता चांगला आहे का पुढे? अच्छा 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 हो। सो आगे सीधा जाएगा तो नाशिक लगेगा, यहाँ से जो मैंने बोला था आपको राइट लेना है तो हम लोग वो राइट ले रहे हैं अभी, और हम जहाँ से चल रहे हैं अभी तो थोड़ा पूरा सिटी टाइप एरिया है तो पूरा क्रॉस करना पड़ रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं ना लोगों के, तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ऐसे देखते हैं एंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि कहाँ से आए ये इतने लोग, इतने सारे लोग एंड दैट टू ऐसे ऐसे कपड़े वगैरह पहन के, क्योंकि हर जगह। तो ये आता हूँ अपना टोल गेट नंबर 5 आज का, कौन से गांव का है ये तो नहीं पता, बट जिनका हमारा 5वां टोल गेट और इंदौर तो यहाँ से सीधा सीधा ही बता रहा है अभी। तो अब बस
जितने जल्दी रूट कवर हो मस्त टूर करके जाना है और एंजॉय करना है। राइड करते ही हम इसके लिए कि जिस पर रिकॉर्ड और ये सब ये तो होते रहते हैं, ये रिकॉर्ड के लिए राइड हम कभी किए नहीं, बट इन जनरल बस जो भी एवरी माइल यू शुड एंजॉय एंड ऐसे टारगेट्स का हम छोटे। सो सिक्स टोल ऑफ द डे गाइस, जस्ट एन अपडेट दैट जो है यहाँ से और 95 किलोमीटर बचा है एंड इंदौर समथिंग रहेगा 350 किलोमीटर कुछ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे इस साइड टूवर्ड्स धुए एंड ऑल, गर्मी अच्छी खासी महसूस हो रही है, लिटरली ऐसे आँखों में तक फेल मतलब महसूस हो रहा है इतना गर्मी। वाइजर खुला रखा कि लगे जैसा इतना हीट का ये दिख रहा है रास्ते पे। यहाँ पे देखो इसी एरिया में सारा सूखा सूखा बिकॉज यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है महाराष्ट्र के ये वाले पार्ट में। तो देखते आगे जाकर कैसे होगा। 150 किलोमीटर के बाद हम ब्रेक लगाएंगे फॉर रिफ्रेशमेंट to keep ourselves hydrated and then फिर से बाहर। ये दो ट्रक के बीच में रेस सा लगा है और उसके बीच में से निकलेंगे हम बाइकर्स। थैंक यू, ये ट्रक क्लियर विजेता है, जीत जाएगा। Don't do such things on road guys, okay? और आज ही कर दी हमारे फ्लाइट पायलट। Oh my god, बच्चों की मस्ती चल रही है, थोड़े से नखरे। अभी हम लोग धुए से एग्जैक्ट किलोमीटर से नहीं पता बट हम लोग एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक के लिए उठे तो बहुत यहाँ पर की लाइक। तो टूल नंबर 7 ऑफ द डे एंड हम लोग जस्ट एंटर करने वाले धुए अभी। एक्चुअली यहाँ पे इतनी गर्मी है कि दैट बाइक्स को भी थोड़ा सा टफ हो रहा है कोप अप करने के लिए। मोस्ट ऑफ द बाइक्स ओवर हीट हो रही है या वार्निंग आ रहा है। सो बिकॉज इधर हवा ही नहीं है एंड इतनी गर्मी हो रही है इट्स नॉट रियली ईजी बट स्टिल वी आर डूइंग इट एंड आज तो करके ही रहेगा ये पूरे। बट यही है कि ज़्यादा ब्रेक्स लगेंगे बिकॉज लिटरली एक टाइम के बाद बाइक ऐसा अंदर से आवाज़ें आ रही है बोलो कि रुक जाए बाइक ऐसा हो रहा है। बट ठीक है, अभी फिर से एक छोटा सा ब्रेक लगाया था धुएं से पहले, सूखा दिखेगा। सो इसलिए बाइक्स ओवर, अब चलते हैं आगे। तुमचं काय म्हणणं आहे सर, गाडी काय झालं? गाडी गरम होती तुमची पण खूपच चांगला रस्ता आहे। रस्ता चांगला आहे पण गाड्यांचा काय? अरे नाही, अरे कहना क्या चाहते हो। तो हम अभी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में आपका सबका स्वागत। तो एक और इंटरस्टेट राइड, एक और स्टेट एक्सप्लोर करने पीएमसी यहाँ पर आया है। ऑल द बॉयज आर पम्प्ड अप एंड एट द सेम टाइम कि ये साउथ प्रिंट के बाद एक और इंटरस्टेट राइड हो रहा है तो बहुत ऐसा अच्छा भी लग रहा है कि इतने दिन से जो प्लान कर रहे थे हम कि एक्सप्लोर करना है इंदौर। तो देखो हम आ गए हैं इंदौर मतलब मध्य प्रदेश में। टोल गेट नंबर 8 आज के दिन का। आफ्टर सो लॉन्ग पानी के दर्शन हो रहे, लिटरली हम लोगों ने जब से वो नासिक से राइट टर्न लिया तब से कुछ पानी का यही नहीं, सब कुछ सूखा, इतने देर बाद दर्शन हो रहा है, जरा अच्छा लग रहा है देख कर। टोल गेट नंबर 9। तो हमारा आरसी देख सकते हो आप, इस इतना ज्यादा हीट को पैसा बर्बाद पहन चोर राइट, लिटरली और टेम्परेचर पूरा छू गया। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लगाया अपना पूरा, बहुत ज्यादा उसलिए हम लोग थोड़ा रुक रहे। आगे 27 किलोमीटर आगे अपना होटल है, मतलब खाने के लिए राइडर्स रुके तो बाकी लोगों को थोड़ा आगे भेजा सो दैट वो आराम करें वो लोग का खाना। अभी हम लोग इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे एंड फटाक से आगे बढ़ेंगे। ये सॉरी तू, ये पहले से ही ठंडा इंसान है। तो ये मैं अभी कैमरे में ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी निकला नहीं तो मैंने दिखा। अभी हम लोग वो होटल पर पहुंच गए खाना खाने के लिए, नाम नहीं पता यार वो होटल का। एंड लुक एट दिस गाय, थोड़ा ब्रेक नहीं मिला कि इसका ये चालू हो गया। द अग्रवाल मिडवे और ये सारे लाइनअप अपना यहाँ पर रखा है। फिलहाल के लिए गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग फट गई है, चला कर अभी खाना खाएंगे। क्या खाने
सिद्धू तुला शुद्ध गायीचं गावरान दूध प्यायचं ना. सो यहाँ पर गाय वाय है और ये हमारे बंदे खा पी के ढेर ब्रेक का असली फायदा उठा रहे. हम लोग जस्ट निकले अभी, छोटा मोटा लंच कर लिया. अभी लंच का तो टाइम नहीं था बट लंच ही बोल लो, हमारे लिए तो वो लंच ही था. बस अभी यहाँ से निकले इंदौर, यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर बचता है, तो अभी एक छोटा सा फ्यूल ब्रेक लगाएंगे एंड देन नॉन स्टॉप इंदौर. तो टोल नंबर 10 आज के दिन का, तो ये मध्य प्रदेश में का सेकेंड टोल वैसे देखा जाए तो हमारा, जो कि जस्ट फ्यूल ब्रेक हो गया है. अभी नॉन स्टॉप इंदौर चले गए, कुछ लोगों को बचा है तो वो फ्यूल भर रहे पीछे. और ये ऑल ऑफ अ सडन ट्रैक बाइक से एडवेंचर बाइक पे आने की खुशी. सो इतका जेवण करून जातो कुठे तुम्ही? मुरमुरे बिरमुरे निस्ते मुरमुरेच खातोय ना यार, काय नाही राईड वर असलं काय नाही समस्या करते बी नाही. So 90 more kilometers to go with this beautiful view. क्या प्यारा लग रहा है ये नदी. So और 90 kilometers बचा है इंदौर, तो एक आध घंटे में कर लेंगे हम लोग. और लोग यहाँ पे बहुत आड़ी टेढ़ी गाड़ी चला रहे, सो हम लोग पहले किलोमीटर से हम लोग प्रॉपर लाइन अप फॉलो करके चल रहे हैं, बट अभी और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे रात को. इंदौर यहाँ से रहेगा हार्डली आई गेस 20-30 किलोमीटर बचा हुआ रहेगा. एग्जैक्ट तो पता नहीं बट मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि 20-30 किलोमीटर बचा रहेगा. और अब जाना है अच्छा सा होटल देखना है, बस आराम करना है बिकॉज अभी सब लोग अच्छे खासे थक गए. बस है मंदिर है या जो भी है बट जय हनुमान जी की मस्त है. आज हनुमान जयंती पण है भारी वाटलं. सो हमने अभी डिसाइड किया कि सिटी के और थोड़ा अंदर जाए, द एक्चुअल सिटी लाइक विच इज विजयनगर, जहाँ पे अच्छा मार्केट है द मेन मार्केट. सो हमारे ये फ्रेंड ने बताया और वहाँ पे होटल्स के बहुत सारे ऑप्शंस भी है. सो अकॉर्डिंगली अपन ये जैसे हम लोग ने बोला था कि हम लोग विजयनगर में पहुँच कर होटल लेंगे. सो फाइनली हमें ये होटल मिला है, डी होटल नेम होटल ग्रैंड गिरिराज. मेन रोड पर ही है, सराफ मार्केट को आप जब जाते हो वहाँ से तो आपको ये रोड पे ही दिखेगा राइट हैंड साइड पे. बहुत अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है एंड ये उनका पार्किंग है. तो हम लोग यहाँ पे रुके और आप भी अगर कभी इधर आए तो ये डेफिनेटली एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो रहने के लिए, बिकॉज ये मेन मार्केट से बहुत पास है एंड एट द सेम टाइम सारी जो आपको गाड़ी मिलेगी जो चीज़ें चाहिए वो आपको यहाँ पर ही मिलेगी. दिस वॉज द ओनली रीजन हम लोग ने दे दिया. और इंदौर में जब भी आओगे एक दिन में कि आप विजयनगर एरिया में आना रहने के लिए, द रीज़न भी यहाँ से सब एक्सेसिबल है तो और सारी चीज़ें पास है. एंड नमस्कार नमस्कार, कैसा है तू? अरे तू जा रही The boys.